चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर राष्ट्रपति के अपमान की। संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई नोकझोंक का विवाद अब तूल पकड़ रहा है। बीजेपी लोकसभा स्पीकर से सोनिया गांधी की शिकायत करने वाली है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने संसद के अंदर स्मृति ईरानी से धमकाने वाले अंदाज में बात की है। राष्ट्रपति के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। आज बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर खूब बवाल किया। सोनिया से माफी की मांग की गई। इसी पर सफाई देने सोनिया स्पीकर की चेयर पर बैठी रमा देवी के पास पहुंची थी, जब स्मृति ईरानी से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। तो संसद में आज क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से अब आपको समझाते हैं पूरी टाइमलाइन क्या है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होते ही सोनिया गांधी रमा देवी के पास पहुंची। सोनिया अधीर रंजन पर सफाई देना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसद भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इसी के बाद स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की आपस में कहासुनी हो गई। संसद में आखिर क्या हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी ने धमकाने वाले अंदाज में बात की, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि स्मृति ईरानी ने बदसलूकी की। अब बीजेपी का दावा यह है कि सोनिया ने स्मृति ईरानी से कहा कि डोंट टॉक टू मी। इस पर स्मृति ने कहा कि मैं चुप क्यों रही हूं। बीजेपी कह रही है कि सोनिया ने स्मृति को उंगली दिखाते हुए धमकाने वाले अंदाज में बात की है। इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सांसदों ने सोनिया को घेरे रखा था। तो इस पूरे विवाद के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब मीडिया से बात की, तो उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने धमकाने वाले अंदाज में बातचीत की है। सुनिए निर्मला सीतारमण का क्या कहना है। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं हमारे साथ, भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलॉजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नैने आदिर ने अपॉलॉजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी, अपॉलॉजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलॉजी नहीं मगर धमकियां, मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। तो जिस वक्त संसद में नोकझोंक हुई, सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई भी मौजूद थे। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने सोनिया के साथ आपत्तिजनक बर्ताव किया है। सोनिया गांधी को उन्होंने घेर लिया था, उन्हें चोट लग सकती थी। सुनिए गौरव गोगोई का क्या कहना है। गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गए और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेर कर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। महिला सांसदों ने तो उन पर आपत्तिजनक बातें की और व्यवहार किया, पुरुष सांसदों ने भी उस प्रकार से आपत्तिजनक बातें और व्यवहार उनके साथ किया। यही दिखाता है कि जो पार्टी महिला के नाम पर सभ्यता के नाम पर नारे लगाती है, आज उन्होंने अपने करतूतों से दिखा दिया कि वो किस प्रकार से एक भारतीय एक महिला की निरादर उन्होंने किया, उनके सम्मान पर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की, नीचा फेंकने का कोशिश किया। लेकिन हमारी नेता निडर रही, शालीन रही और उन पर एक उनके ऊपर कोई भी अगर भाजपा लगता है कि इस तरीके से छोटे व्यवहार से अगर पर सोनिया गांधी। तो संसद में सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि क्या अधीर रंजन चौधरी अपने बयान पर माफी मांगेंगे, इस पर सोनिया ने जवाब दिया कि वो तो पहले ही माफी मांग चुके हैं। सुनिए एक बार। विल यू आस्क मैम, विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज, मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज, ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज।
और इस मुद्दे को सबसे पहले लोकसभा में स्मृति ईरानी ने उठाया। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया, इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, अपोलोजाइज टू द नेशन, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।